नमस्कार दोस्तों, RSCIT एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2018 की आंसर की इस वीडियो में आगे आप देख सकते हैं। 35 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनकी आंसर की से संबंधित पूरी जानकारी, आज के पेपर की जानकारी इस वीडियो में आगे आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बुकलेट का ये मुख्य पृष्ठ आप देख सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जो आज के पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आज, मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और आप एमएस एक्सेल 2010 में खोलते हैं तो यह खुलेगी। तो चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्राइवेट व्यू में, पब्लिक व्यू में, या बैक स्टेज व्यू में, या प्रोटेक्टेड व्यू में। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का क्या उपयोग है? तो चार ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा, इसमें इसका उपयोग किसी वेब पृष्ठ या बाहरी दस्तावेजों से जोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को शामिल करने के लिए जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना है, जैसे कंपनी का नाम और पृष्ठ संख्या। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। और किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको लगता है कि इसका उत्तर गलत है तो रीज़न के साथ आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए, वक्तव्य फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुँच प्रदान करती है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं और दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देखिए, दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। रीज़न हम आपको बताते हैं, जो टाइटल बार होता है वो हमेशा ऊपर दिखाई देता है, ना कि नीचे। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, वक्तव्य सेकंड स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल तो स्टेटस बार बॉटम में दिखाई देता है, शीर्ष पर नहीं दिखाई देता। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का पूर्ण रूप है और दूसरा है एमएस एक्सेल में सेल रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों वक्तव्य सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन 5 से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? अब यहाँ आप देखिए, माउस बिल्कुल पॉइंटिंग डिवाइस होता है, टच पैड जैसे हम मोबाइल स्क्रीन, एंड्रॉयड मोबाइल हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम उंगली से टच करते हैं, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक पॉइंट ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है और CRT मोनिटर ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर उपयोग कैसे किया जाता है? अब ऑप्शन देखिए आप, चार ऑप्शन, डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल सी वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से, डिजिटल विज्ञापन बनाकर और मीटिंग शेड्यूलिंग से, तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन बॉलीवुड फिल्मों में वीडियो दिखाकर। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक विशेष सुरक्षा प्रणाली जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई है, नैरो बैंड, वॉइस बैंड, ब्रॉडबैंड और फायरवॉल। आप अगर कंप्यूटर उपयोग में लेते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप, तो वहाँ पर एक फायरवॉल का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब यहाँ पर आप देखिए, लाइनक्स बिल्कुल सही है, एमएस डॉस बिल्कुल सही है, गूगल एंड्रॉयड जो हम मोबाइल यूज़ लेते हैं वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर सही उत्तर होगा गूगल क्रोम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये हमारा ब्राउज़र होता है जिस पर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, वेबसाइट वगैरह देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र में रिक्त स्थान दिया गया है पर वांछित संस्थान का URL इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। तो ये हम एड्रेस बार में ये वेबसाइट का एड्रेस हम एंटर करते हैं, जैसे www.rajasthanuniversity.com इस तरह से। अगला क्वेश्चन, MS Excel 2010 में आप डेटा आयात कर सकते हैं,
तो यहाँ पर आप देखिए एमएस एक्सेस डेटाबेस से, वेब पेज से, टेक्स्ट फाइल से, सभी से हम डेटा आयात कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे बेस्ट विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर आप देखिए हम उत्तर पर चलते हैं सीधा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, 11 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया गया है। शॉर्टकट की से संबंधित चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सी शॉर्टकट की सही है गलत है इस तरह से। पहला ऑप्शन आप पढ़िए, एमएस वर्ड 2010 में कट ऑपरेशन के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। और पेस्ट ऑपरेशन के लिए कंट्रोल पी का उपयोग किया जाता है, ये बात सही नहीं है क्योंकि पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का उपयोग किया जाता है। तो पहला तो स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। दूसरा देखिए, कट के लिए कंट्रोल सी, तो ये भी बात गलत है। एम एस वर्ड 2010 में कंट्रोल एस का उपयोग सेव करने के लिए किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। और कंट्रोल यू का उपयोग सेव एज करने के लिए किया जाता है, गलत है क्योंकि कंट्रोल यू का उपयोग अंडरलाइन के लिए किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल जेड का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है और कंट्रोल वाई का उपयोग रिडू के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम सीधे ऊपर उत्तर पे चलते हैं। पहला ऑप्शन, आप एकाधिक विंडोज़ के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप्स चला सकते हैं, यही स्नैप असिस्ट है। अगला क्वेश्चन, मान लें कि वर्कशीट की सामग्री ऐसी है कि जब प्रिंटआउट लेते हैं तो एकाधिक पृष्ठों में आएगा, और आप अब उसी वर्कशीट के प्रिंटआउट को एमएस एक्सेल 2010 के एक पेज में प्रिंट लेना चाहते हैं, तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम सीधा उत्तर पर चलते हैं, फिट शीट ऑन पेज पर, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो यहाँ पर पेटीएम बिल्कुल सही होगा, हम सभी इसका उपयोग करते हैं रिचार्ज करने के लिए, मूवी देखने के लिए, तो पेटीएम यहाँ पर बिल्कुल सही है, ई वॉलेट का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, आकार और अवधि पर आरोही क्रम में नेटवर्क की व्यवस्था का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रीज़न हम आपको बताते हैं। पीएएन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क होता है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आरोही क्रम में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्प्लिट विंडो का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग को प्रदर्शित कर सकें। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्प्लिट विंडो, स्प्लिट का नाम ही होता है तोड़ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है? तो यहाँ पर होगा कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज आपने सुना होगा, गूगल ड्राइव का नाम आपने सुना होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जिसमें हम बैकअप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, यहाँ पर कौन सी कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर वर्ण को हटाने में सक्षम होती है? तो यहाँ पर डिलीट की होगी। अगर हमें लेफ्ट साइड का हटाना है तो बैक स्पेस हम यूज़ करते हैं, और राइट का हटाना है तो हम डिलीट की का उपयोग करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कुंजी का लाभ नहीं है? तो यहाँ पर सभी प्राथमिक कुंजी के लाभ हैं, चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है, वो हमारा सब्जेक्ट करता है कि हम किस मुद्दे पर किस चीज़ को लेकर सामग्री भेज रहे हैं, वो हम सब्जेक्ट में हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डेजी व्हील एक प्रकार का है, डेजी व्हील एक प्रिंटर है, और प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, तो ये हमारा इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का, तो यहाँ पर रहेगा इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, डेटा क्या है? कार्यक्रम का एक सेट है, हार्डवेयर डिवाइस है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यह कच्चे संसाधित तथ्यों सहित पाठ छवि संख्या और ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 25, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? तो यहाँ पर इसके हम उत्तर पर ही चलते हैं, A4 के आकार के पेपर पर 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम चलते हैं, तो
यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, एक प्रकार की वायर्ड केबल है जिसमें इंसुलिन से घिरा एक केंद्रीय तार होता है और फिर ब्रांडेड तार की ढाल होती है, तो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 1 GB किसके बराबर है? तो यहाँ पर देखिए 1 मिलियन बाइट होगा दूसरा ऑप्शन। MS Access में एक ही तालिका में अन्य फील्ड की गणना के आधार पर एक फील्ड बनाने के लिए किस डेटा का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर होगा अटैचमेंट। 29, आप देखिए URL का सही उदाहरण क्या है। सबसे पहले URL के बारे में आपको बताते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। और आप जब किसी भी वेबसाइट को आप देखते हैं एड्रेस बार में, तो वहाँ पर आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, HTTP, फिर यहाँ पर कोलन, फिर डबल स्लैश, फिर वेबसाइट का नाम होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, MS Word 2010 में आप का उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं, तो वहाँ पर है सब सुपर स्क्रिप्ट होता है वो। उसके बाद अगला आप देखिए, MS Excel 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होते हैं? तो लाइन चार्ट। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। MS Office के चारों पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं कि MS Word, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। अब यहाँ पर आप देखिए, MS Word का उपयोग हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, एक्सेल का उपयोग हम शीट बनाने के लिए करते हैं, पावर पॉइंट का उपयोग हम स्लाइड बनाने के लिए करते हैं, और MS Access का उपयोग डेटा शीट बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 32 में होगा पहला ऑप्शन। उसके बाद 33 आप देखिए, कंट्रोल पैनल में विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। इंटरनेट विकल्प गलत है बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी विकल्प ये भी गलत है, मेल मर्ज ये भी गलत है, तो पावर विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिए, विंडोज 10 में सेटिंग एफ विंडो में निम्न में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मीनू से संबंधित हैं? तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 34 में होगा ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस कीबोर्ड। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में है? तो आपका अभी अकाउंट होगा फेसबुक पर, सभी यूज़ करते हैं, तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ये सभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैं। तो ये आज की आंसर की से संबंधित सारी जानकारी हमने डिस्कस कर ली है। और राजस्थान की भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।